दोस्तों अभी मार्केट में इस टाइम पर बजट सेगमेंट के दो सबसे बेस्ट 5G फोन अवेलेबल हैं। पहला है Realme का Realme 8 5G और दूसरा है Poco का Poco M3 Pro 5G जो कि अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब दोस्तों ये जो दोनों फोन है बिल्कुल ही सिमिलर स्पेक्स के साथ आते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस है जो इन दोनों फोन को बिल्कुल ही अलग करती है। तो अगर आप इस फोन को परचेज करने की सोच रहे हो और थोड़ा कंफ्यूज हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए और क्यों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों फोन के मेन फीचर्स की जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके बाद बात करेंगे हम दोनों फोन के अदर फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो Realme 8 5G और Poco M3 Pro 5G दोनों में ही आपको सेम साइज का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले। इसके साथ दोनों डिस्प्ले में आपको मिलता है 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट। तो ये जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जाता है दोनों ही फोन में, फुल HD प्लस है और 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि एक इनफ है। सुपर एमोलेड नहीं है क्योंकि दोस्तों महंगा फोन हो जाएगा 5G के साथ, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले दोनों ही फोन में आपको अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों Poco M3 Pro में आपको मिलता है Corning Gorilla Glass वर्जन 3 का प्रोटेक्शन और Realme 8 5G में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ Realme 8 में आपको मिलता है 600 nits का ब्राइटनेस और Poco M3 Pro में मिलता है 500 nits का ब्राइटनेस। दोस्तों देखा जाए तो दोनों फोन के डिस्प्ले में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो पहले रियर कैमरे की बात करें तो दोनों फोन के बैक साइड में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरे का स्लॉट जहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। दोस्तों यहाँ पर दोनों फोन के कैमरे में एक चीज मिसिंग है जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि ऑलमोस्ट 8 मेगापिक्सल के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो होना ही चाहिए ताकि आप एक अच्छा वाइड एंगल फोटो क्लिक कर सको या फिर वाइड एंगल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सको। अब इन दोनों फोन में नहीं है तो नहीं है, बट दोस्तों अगर आप एक अच्छा कैमरा वाला फोन लेना चाहते हो तो याद रखना कि 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होना चाहिए या फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो होना ही चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों फोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो Realme 8 5G में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और Poco M3 Pro में मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब दोस्तों क्लियरली यहाँ पर दिख जाता है कि Realme 8 5G में आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट डबल पावर का है। तो अगर आप मतलब ज़्यादा सेल्फी लेना पसंद करते हो या फिर फ्रंट साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो किसी काम के लिए कुछ भी, तो क्लियरली आपको Realme 8 5G को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन में आपको मिलता है सेम प्रोसेसर जो कि है MediaTek Dimensity का 700 के साथ आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों फोन में आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ इन दोनों ही फोन में LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है, साथ ही सेम ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर है और काफी अच्छा है। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ कि Realme 6 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें आपको MediaTek Helio का G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिला है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 60 FPS गेमिंग देता है जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी फोन में नहीं मिलता है, बट दोस्तों जो हीटिंग इशू है वो उसमें कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। कंपनी ने फोन को अपडेट किया, बार बार अपडेट किया, फिर भी हीटिंग इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए G90T का जो प्रोसेसर है दोबारा रियलमी फिर रेडमी ने कभी दोबारा फोन के साथ लॉन्च नहीं किया। चलिए आगे बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग सपोर्ट की। तो दोस्तों इन दोनों फोन में ही आपको सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है जो कि है 5000 mAh का, साथ ही दोनों ही फोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट दोस्तों यहाँ पर Realme 8 5G के बॉक्स में आपको मिलेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर, लेकिन Poco M3 Pro में आपको मिलता है 22 point का फास्ट चार्जर। अब दोस्तों ये जो कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि फोन अगर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है तो 22.5 वाट का चार्जर देने से क्या फायदा। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको मिलता है टाइप सी का चार्जिंग केबल और Realme 8 में मिलता है आपको UFS 2.1 का सपोर्ट, लेकिन Poco M3 Pro में मिलता है 2.2 का सपोर्ट। तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा यहाँ पर, जो फोन के अंदर की जो स्पीड होती है रीड राइट मेमोरी ट्रांसफर वगैरह वो सब में आपको थोड़ा सा आपको स्पीड मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन में आप 1 TB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 1 TB तक कोई लगाता तो है नहीं, बट यहाँ पर दिया गया है तो चलो ठीक है। तो दोस्तों ये हैं इन दोनों फोन के मेन फीचर्स। अब बात करते हैं इन दोनों फोन के अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर दोनों ही फोन एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है दोनों ही फोन में साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही इन दोनों फोन में मिलेगा आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि आप दोनों ही फोन में एक साथ 2 SIM कार्ड लगा सकते हो या फिर 1 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसके साथ दोस्तों दोनों ही फोन में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, साथ ही FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ मिलता है दोनों ही फोन में जायरो का सपोर्ट।
दोस्तों यहाँ पर दोनों फोन के नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको बहुत ही अच्छा 5G सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट जितने बैंड होने चाहिए 5G के वो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक अभी Realme 8 5G और Poco M3 Pro 5G में सिमिलर स्पेक्स देखने को मिला है, लेकिन Realme 8 में आपको अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से Realme 8 प्लस पॉइंट पे जा रहे हैं। अब दोनों फोन की डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर Realme 8 5G थोड़ा सा पतला है और थोड़ा सा हल्का है Poco M3 Pro 5G से, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ तक दोनों फोन में जो सिमिलैरिटी है, जो डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं मेन रीजन पर कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप पहले से Realme का फोन यूज कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो Realme का नया UI आया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा Realme के नए UI में। तो आप दोस्तों बेटर रहेगा आपके लिए कि आप पहले से Realme का फ़ोन यूज करते हो तो आप Realme का ही फ़ोन परचेज करो, क्योंकि देखा जाए तो Realme भी आपको अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जो लोग पहले से Redmi का फ़ोन यूज करते हैं या फिर Poco का फ़ोन यूज करते थे पहले से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप Poco का ही फ़ोन लो, क्योंकि दोस्तों Poco जो है पहले से भी अच्छा है और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। इसके अलावा आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा फोन चाहिए तब आप Realme 8 5G को परचेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप ये बात ध्यान में रखो कि अगर आप ब्रांड चेंज करते हो, दूसरे कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पर जो UI है दूसरे का डिफरेंस होता है, Realme का या फिर Redmi का अलग होता है, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों ये अच्छा भी है क्योंकि आप दूसरे कंपनी में जाते हो तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर दूसरे कंपनी में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इसके तीन रीजन निकल के आते हैं। पहला है दोस्तों UI, कि आप जो फ़ोन यूज करते आए हो ऐसा ही सिस्टम चाहिए तो आप सिंपल है कि उसी ब्रांड के साथ जाओ। दूसरा है दोस्तों कैमरा, तो अगर आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए तो सिंपल है कि आप Realme 8 5G को परचेज करो। तीसरा है दोस्तों फ़ोन का डिजाइन, दोनों ही फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलती है, तो जो भी डिजाइन आपको पसंद है प्लीज़ उसी डिजाइन को परचेज करना, क्योंकि फ़ोन आपको हमेशा यूज करना रहेगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।